नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्ट एंड ट्रेड से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीक बोला था कि मार्केट कॉशियस जोन पे है, निफ्टी में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था। मैंने अपने वीकली वीडियो में बोला भी था कि निफ्टी में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, वेट करते हैं 17,300 का सपोर्ट टूटता है तब देखेंगे, या ऊपर के लेवल्स टूटेंगे तब देखेंगे। तो निफ्टी में ये लास्ट 2 दिन बहुत पैनिक सेलिंग आया, बट 17,300 का सपोर्ट जोन को निफ्टी डिफेंड कर गया एंड उसके नीचे नहीं गया भैया। एंड बैंक निफ्टी जो कि मैंने दायरा दिया तो ऊपर की 41,700 और नीचे 39,780, ये दो रेंज मैंने दिया था कि बैंक निफ्टी इस दायरे के बीच में रहेगा। अपर लेवल पे ये रेजिस्टेंस क्लॉक करेगा एंड लोअर लेवल पे इसको सपोर्ट मिलेगा। तो बैंक निफ्टी ने सप्ते के शुरुआत में 41,700 समथिंग का हाई करके उस रेजिस्टेंस के दायरे को टेस्ट किया अपर बैंड को, एंड देन फ्रॉम देयर इट करेक्टेड लोअर बैंड 39,780 के लोअर बैंड को तोड़ के उसके नीचे इसने बंद किया। तो दोस्तों, आने वाला वीक अब क्या रहेगा, तो बहुत ज्यादा इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा बातों करके। आई नो सब सब परेशान होंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा, बिकॉज सबके बहुत सारे पोजीशंस खड़े होंगे या काफी सारे मार्जिन ट्रिगर्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट वीक क्या रहेगा। तो एज जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ, मैं डाउ जोन्स के चार्ट से शुरुआत करूंगा। ये है डाउ जोन्स, आ गया। लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था, मैंने बोला था 400-500 पॉइंट और गुंजाइश है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस लेवल के 30,000 चलेगा, बट इसने अल्टीमेटली एकदम लोअर एंड ये लेवल ले लिया। ये लेवल डाउ जोन्स के लिए बहुत वाइटल जोन है दोस्तों, एंड यहाँ पे शॉर्ट करने का एकदम मत सोचिएगा। देखिए, दिस इज द प्री कोविड लेवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज द प्री कोविड लेवल का टॉप था। उसके बाद ये यहाँ से बाजार गिरा, यहाँ पे इसको रिटेस्ट करके वापस एक थोड़ा सा करेक्शन आया बाजार में, एंड देन व्हेन दिस लेवल्स हैव बीन टेकन ऑफ, एक तरफा रैली यहाँ से यहाँ तक के लिए बाजार में था, एंड नाउ मार्केट हैज करेक्टेड अ बिट एंड देन अगेन रिटेस्टेड दिस लेवल्स, नाउ इट हैज अगेन करेक्टेड। ठीक है, तो पैटर्न्स आर लुकिंग, अभी आप देखोगे तो आपको पैटर्न्स खराब लगेंगे, बट मार्केट इज एट अ सपोर्ट जोन। एंड मैं हूंगा तो मैं तो यहाँ पे शॉर्ट एकदम नहीं करूंगा। मंथली चार्ट पे स्विच करते हैं, डन बॉस। मंथली चार्ट का, डाउ जोन्स का जितना भी पैनिक हो, एज वी से आई वुड लाइक टू कोट मिस्टर वॉरेन बफेट, बाई व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल, सेल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी। तो अभी सब फियरफुल है, रेड रेड देख के सब परेशान है, यहाँ पे बाई का जगह है दोस्तों। एकदम यहाँ पे पैनिक नहीं करना है। मार्केट मेरे को जहां तक लगता है, डाउ जोन्स इज अगेन एट दिस बॉटम एंड इट विल मेक अ डबल बॉटम हियर लाइक दिस। हो सकता है मंडे को यहाँ पे इस तरह का एक डोजी या एक रिवर्सल कैंडल दे दे, एंड देन वी आर अगेन बैक इन बिजनेस। तो दोस्तों, दिस लेवल शुडंट बी टेकन ऑफ इजिली। अभी मैं लाइव मार्केट, लाइव डाउ जोन्स चल रहा है, मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि डाउ जोन्स आपका 400 पॉइंट डाउन है। एंड लेट मी चेक नैस्डैक, नेस्टैक इज ऑल्सो नियर टू द वाइटल सपोर्ट जोन। कैन हैव दिस लेवल्स, थोड़ा सा नेस्टैक में थोड़ा सा 100-200 पॉइंट का और जगह बचा है, देन दिस करेक्शन शुड गेट ओवर इन नेस्टैक ऑल्सो। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा रनअप के बाद ठीक है कि थोड़ा सा करेक्शन बनता था, दिस करेक्शन हैज आई थिंक सारे करेक्शन को सरपास कर गया। आई थिंक कोविड का करेक्शन भी देखेंगे तो आप फ्रॉम 9,700 टू 6,700 अप्रोक्स 3,000 पॉइंट, एंड नाउ फ्रॉम हेयर अगर हम लोग देखेंगे 16,764 से अराउंड वी आर एट 11,290, अराउंड 5,000 पॉइंट। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पे इससे बड़ा करेक्शन कर लिया है, बाजार अब घूमने वाला है दोस्तों, कोई हालत में पैनिक नहीं करना है। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जी, कंपेयर टू डाउ जोन्स एंड नैसडैक,
हमारे मार्केट ने बहुत कम लेवल का करेक्शन क्लॉक किया है। एंड नाउ मैंने आपको बताया ना कि मैं पैनिक में आऊंगा व्हेन दिस लेवल्स आर डिसाइसिवली टेकन ऑफ। लेट मार्केट क्लोज बिलो दिस लेवल 17,300-17,250 के नीचे बाजार क्लोज तो दे, देन वी कैन सी। ओके, तो निफ्टी में अभी भी मेरे लिए बहुत जगह बाकी है। हाँ, नेक्स्ट वीक अगर 17,300-17,250-300 के नीचे निफ्टी सस्टेन कर जाता है एंड गिव्स अ डे ऑफ क्लोजिंग, देन द पैनिक बटन विल ट्रिगर फॉर निफ्टी, बट ज्यादा नहीं। इट कैन कम डाउन टिल दिस लेवल 16,900। दिस इज द चेंज इन पोलैरिटी जोन। लेवल तो दोस्तों नेक्स्ट वीक का ट्रेड प्लान यही रहेगा। मैं फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी इस जोन के करीब सपोर्ट ले लेगा नेक्स्ट वीक। हो सकता है इस टाइप का एक कैंडल हम लोगों को अगेन देखने मिले, दिस कैंडल। वॉच आउट कि नेक्स्ट वीक हो सकता है हम लोगों को दिस टाइप का एक कैंडल मिले नेक्स्ट वीक, और अगेन देन दिस टाइप ऑफ अ बिग इंगल्फिंग बुल कैंडल। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे गैप डाउन खोल के यहाँ पे स्पाइक करके सबके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करा के 17,300 का, एंड मार्केट विल अगेन रिज्यूम इट्स सपोर्ट जर्नी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक वॉच आउट फॉर निफ्टी 17,200-17,250 अ वाइटल सपोर्ट जोन। इस लेवल के करीब मिलता है निफ्टी आंख बंद करके बाई करना है। 17,000 के नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए। 17,000 के नीचे का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो मैं ये गैप का सपोर्ट को प्ले करना चाह रहा हूँ। इस गैप को मैं फिलअप करना प्ले करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मार्केट इस गैप को थोड़ा सा फिलअप कराने के लिए चेष्टा कर दे, माइट बी। तो मैं इस गैप को प्ले करने की चेष्टा कर रहा हूँ। 17,200 के करीब मिलता है, गो लॉन्ग इन निफ्टी। 17,000 के नीचे का स्टॉप लॉस दीजिए एंड आई एक्सपेक्ट मार्केट टू अगेन बाउंस बैक टुवर्ड्स दिस जोन 17,700-17,800 जोन। नेक्स्ट वीक में वापस बाजार में निफ्टी में आ जाना चाहिए। तो कीप एन आई ऑन निफ्टी, डोंट गो शॉर्ट, गो लॉन्ग। सपोर्ट जोन पे है, थोड़ा पैनिक ज्यादा है, बट आई थिंक मार्केट विल गेट इट सपोर्ट जोन नेक्स्ट वीक। बैंक निफ्टी पे बात करते हैं। यस, बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा वीक हुआ है दोस्तों, एंड आई गेस मेरा जो ये सपोर्ट जोन जो मैंने बताया था, मार्केट इज वेरी क्लोज टू जी दिस जोन। एंड डेली चार्ट में भी देखिएगा आप यहाँ पे, तो एक पैनिक तो बैंक निफ्टी में बनेगा। आई थिंक बैंक निफ्टी में एक थोड़ा और बड़ा पैनिक बन सकता है, एंड यू कैन टेस्ट दिस जोन्स समवेयर। दिस जोन्स 38,700, 38,700 ये जोन एक बार हो सकता है क्लॉक हो तो मंडे को माइट बी देयर कैन बी अ रिटेस्ट ऑफ दिस जोन्स, बिकॉज आवर्ली चार्ट में बैंक निफ्टी ने अपने थोड़े लॉन्गर टर्म ईएमए को तोड़ा है, जिसको कि काफी दिनों से मतलब जुलाई के बाद पहली बार इसको इसने तोड़ा है। तो इट माइट बी अ फॉल्स ब्रेक भी हो सकता है। इफ वी कॉन्क्वायर अबव दिस लेवल 39,960 और मे बी 39,40,000 के ऊपर अगर हम लोग नेक्स्ट वीक चल गए, देन अगेन वी कैन सी अ रिलीफ रैली टुवर्ड्स 40,600, बट दैट कुड बी अ रिलीफ रैली। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स खराब हुए हैं दोस्तों, एंड ये बॉटम कहीं यहीं आके बनना चाहिए। जो मैंने ये दायरा मार्क किया है ना दिस जोन, इस जोन के करीब ही आके बैंक निफ्टी में बॉटम बनना चाहिए, बिटवीन 38,750-38,800। इस बीच में कहीं आके बैंक निफ्टी में एक बॉटम बनना चाहिए, एंड आफ्टर दैट बैंक निफ्टी इज अगेन गुड टू गो लॉन्ग। तो अगर हम लोगों को बैंक निफ्टी 38,000 या 39,000 के नीचे हम लोग को मिलता है, तो 38,500 के स्टॉप लॉस में वी विल लाइक टू गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। इस लेवल में बैंक निफ्टी में लॉन्ग का सौदा बनाइए 38,800, 38,900, 39,000 के करीब में 38,500 का स्टॉप लॉस दीजिए, एंड दिस ट्रेड विल बी रिवॉर्डिंग। ये ट्रेड अपने को रिवॉर्ड देगा और बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो दोस्तों दिस वॉज द अल्टीमेट सेटअप इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो कि मैंने आपको बताया, एंड लास्ट इतने महीनों से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देखा हो तो द लेवल्स आर
रियली वर्किंग एज मैजिक। जैसे देखिए इस वीक भी मैंने बैंक निफ्टी में दिया था, अपर लेवल लोअर लेवल बाजार उसी के रेंज पे रहा, अपर लेवल को टेस्ट करके बाजार गिरा, लोअर लेवल के नीचे बंद किया, बट इट वॉज विद इन दैट रेंज। तो आप, मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, अगर आपको कोई सजेशन, कोई कमेंट देना है, या कहीं आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं और कुछ और अच्छा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करिए, ताकि मैं और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। किसी को समझने में दिक्कत हो रहा हो या किसी को और परव्यूज में भी चाहिए, तो टेल मी दैट, तो आई कैन यू नो कस्टमाइज इट, मैं आपको और अच्छे से एलाबोरेटली इसमें बता पाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और दोस्तों एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, ताकि ये आप लोग जो लाइक करते हैं यही हमारा मोटिवेशन रहता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल अपकमिंग वीक। बाय, टेक केयर।